नमस्कार, मी शेख याया, माझा महाराष्ट्र लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत. आजचं विशेष बातमीपत्र पाहूया. काँग्रेसच्या सरपंचावर गुन्हा दाखल. आता बातमीपत्र विस्ताराने. वाजेगाव येथील काँग्रेस पक्षाचे सरपंच आणि त्यांच्या साथीदारावर सिडको ग्रामीण पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शेख अब्दुल करीम महबूब साहेब हे एका लग्नाची वरात पाहत असताना वाजेगावचे सरपंच शेख जमील अहमद आमेर हमजा यांच्यासह शेख गफार, शेख सत्तार, शेख इलियास, अब्दुल करीम, शेख मजहर, शेख लायक यांच्यासह इतर अनेकांनी निवडणुकीचा राग मनात धरून त्यांच्यावर लोखंडी पाईप आणि पीव्हीसी पाईप या हत्यारासह हल्ला केला आणि त्यांना जबर मारहाण केली. या प्रकरणी अब्दुल करीम महबूब साहब यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून वाजेगावचे सरपंच शेख जमील अहमद यांच्यासह अन्य जणांविरुद्ध सिडको ग्रामीण पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान या प्रकरणात परस्पर विरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून याविरुद्ध शेख मजहर, शेख लायक यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार शेख असलम, शेख अकबर, अहमद करीम शेख महबूब, शेख अक्रम, शेख अकबर, शेख समदानी, शेख रब्बानी या सर्वांनी त्यांच्या घरात घुसून त्यांच्यावर घरातील कुटुंबियांना मारहाण केली आहे. नांदेड ग्रामीण पोलिसांनी हे दोन्ही परस्पर विरोधी गुन्हे दाखल केले असून दोन्ही गुन्ह्याचा तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक एएल घाटे यांच्याकडे दिला आहे. शेख अब्दुल करीम, शेख महबूब वाजेगाव रहने वाले, हमको जमील सरपंच हमजा इनकी धमकी और हम गांव में रहना मुश्किल और हमारे घर को परिवार को सबको ख़त्म कर देंगे. जेल से छूटने के बाद तुम्हारा बच्चा तुम बच्चा जाएगा पर तुम्हारे को सबको जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा और कोई बचेगा नहीं. और इसके बाद तुमको तो घर छोड़ के भागना पड़ेगा. क्यों? तो तुम किस बात पर यहाँ रह रहे हैं? तो तुम्हारा बच्चा क्या इलेक्शन में ठहरा था? इलेक्शन में ठहरा था तो हमने धमकी दिए, हमने उठा लिए, तो जब से तुम्हारे बच्चे पे हम दांत रखे. तो क्यों रखे? हमने पूछे तो भाई तुम्हारा बच्चा कई के लिए ठहरा? तो बच्चा बोला तो कोई भी कर सकता राजधानी. तो उसके बाद में दूसरे आदमी को बुलाए. दूसरे आदमी को बुलाने के बाद उठा के अशोक राव चौहान को बुला के उठा के बच्चे को परभनी जिले में रख दिए 3 दिन. हम इधर रोड रह के परेशान, तो हमारे उप सरपंच महबूब साहब उनको इतला दी हमने कि देखो बोले रो मत बोले, हम जो भी करना है दीपक लाला को लेके हम पुलिस स्टेशन में ग्रामीण भाग में जाएंगे, जो करना है हम करेंगे. तो चौथे दिन बच्चा जिस दिन इलेक्शन है उस दिन बच्चों को छोड़ दिए. उस दिन आया बच्चा, तो बच्चा ऐसा हुआ था कि दुबला काटा. तो हम गाँव में रहना किस हालत से और गाँव में रहना किसके भरोसे पे? सरपंच तो बोलता तुम गाँव में रह नहीं सकते, तुमको तो हम कभी भी मारते ही मारते. परसों वेले माने इन्हों गड़बड़ करे, हमारे रिश्तेदारों को मारे गाड़ीपुरे के, और ये लोगों ने मारे और उनको टाके गिरे अट्ठा अट्ठा बारह बारह. तो इन्हों क्या करे, केस कर लिए मार खाने वाले केस करे. तो अब ये परसों उन्हों आगे पीछे केस हो रहा था, तो केस हो रहा था तो इन्हों क्या करे, वापिस लिए केस. वापिस लिए तो इन्हों इनके लोग क्या बोले, हम 2 लाख रुपये दिए पुलिस वाले को, 2 लाख रुपये दिए, ऐसा बोल के केस वापस लिए बोल रहे. तो जिस दिन केस वापस लिए उस दिन बच्चों को मेरे सामने हमला कर दिए. जमील सरपंच के घर के पुराने घर के सामने से बच्चों को घर बोल के 4-5 दर्जन उसके आंख से गिर के उनके बड़े मेन रोड के ऊपर उनके नए घर के पहले ऐसा ऐसा मारे बच्चों को कि पाइप से तो पहले हाँ हाथ दे करके मारे और बाद में उसी पाइप से पूरे मांडा पे मार दिए. बच्चे मेरे मांझा अभी तकलीफ बोले तो ऐसे है पूरा हाथ फिक्चर हो गया मेरे बच्चे का. तो बच्चा बोला तो कई को मार रहे, तो बोल तेरे कौन करा था केस, बोल कौन करा था केस. मेरा बच्चा हो बेहोश भी हुआ तो बोले पानी डाल डाल के मार रहे, बोल कौन करा था केस. अब बच्चा क्या बोलेगा बेहोश होने के बाद? फिर उसके बाद में मेरे घर के सामने ला के डाले, घर में घर के सामने ला के डालने के बाद पूरा घर में तेल डाले और जो जलाना है तो पूरा ऐसा पूरा धींगाना कर दिया. फिर बच्चे के आँख पे तेल डाल दिए, ऐसा आँख माचिस खींचना बोले तो हम एकदम घर में से क्या वो धींगाना बोल के वापस आए. तो ऐसा पब्लिक जब मिली बच्चे के आँख पे माँ बाप भी गिर रहे, तो जब पब्लिक भाग गई जमीन सरपंच किस पब्लिक थी पूरी. हाँ, हम मांग करेंगे हम किसके भरोसे पर जीना, हम किसके भरोसे पर रहना, हम किसको बोल के वाजे को में बोलना,
कि हमको क्यों मार रहे बोल के। जमीन सरपंच बोलते तुमको तो हम कभी भी मार सकते, इनको तो सदा ऐसी कड़क हो जाना तो छूटना नहीं। अब इन्हों छूटने के बाद उन्हें तो बोल रहे तुमको तो क्या, तुम्हारे बच्चों को पहले से पहले मारेंगे हम छूटने के बाद, अब तुमको भी मार देंगे। फिर हम किसको जाके पूछना, कल गिरामन भाग में गए थे पुलिस स्टेशन में तो पुलिस वाले को सब ऐसे बोल दिया, मैं बड़े साहब को भी बोला पी साहब को, तो साहब मेरे बच्चे को तेल डाल के जला दे रहे थे, हम घबरा के आगे बच्चे के अंत पे गिर गए, तेल डाल के घर में सिलगा दिए। तो साहब बोलता क्या क्या जल गया, तो आके देख लो। तो पुलिस वाले कोई नहीं आए हमारे घर पे फिरा दी लेने को। जब सब जमीन सरपंच आए पुलिस स्टेशन में तो इधर से हमारे सामने पुलिस वाला बैठा रहा, ऐसा मुंडी कर दिया, उधर साहब ऑफिस में बैठा ले जाओ। तो उन्होंने क्या बात कर ली कि बाद में हमारे पहले लिख रहे थे, लिखते लिखते जमील सरपंच ने ऐसा मुंडी हिलाया पुलिस वाले को तो ना हमारा लिखना बंद कर दिए। पुलिस वाले को बोले हम साहब कब तक बैठना, दो ढाई का टाइम हो रहा। तो पुलिस वाले क्या बोलते कि साहब उन्होंने चल रहा नहीं, उसमें चल रहा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, चल रहा ही नहीं हम क्या करेंगे। एक मैडम थी, मैडम ने पूरा ओके कर दी थी। तो दूसरे बड़े साहब ने उसके बाद में था तो दूसरे पुलिस वाले को बिठाया, तो पुलिस वाला ऐसा निकाला कि वो मैडम की पूरी लिस्ट को ख़त्म कर दिया, दूसरे आड़े चले आड़े चले क्या लिख दिया कि। फिर बाद में वो बड़े साहब को फिर से बोला, मैं साहब हम तो जी नहीं सकते घर को जाने के बाद, हम तो मर सकते। बच्चा मेरा बोला साहब देखो मैं यहाँ से जब जाऊँगा पुलिस स्टेशन से तो पहले से पहले मेरे को जमीन सरपंच ख़त्म कर देता, फिर उसके बाद में मैं यहाँ ही पुलिस स्टेशन में मर जाता हूँ, मैं जाके मतलब क्या रहा। बोले ग्राम पंचायत मेरी है, पुलिस स्टेशन में गिरामन मेरा है, तुम जा सकते कहाँ तक, कहीं भी गए तो कुछ नहीं होने वाला। पर मेरे पास ऐसा है कि मैं एक रिंग घुमाया तो पुलिस वाले आके ऐसा रिश्वत लेके चले जाते।